सनातन धर्म के ध्वजवाहक, हमारी संस्कृति और जीवन मूल्यों के पोषक, योद्धा सन्यासी जिन्होंने देश को आजाद कराने की लड़ाई लड़ी और जिन्होंने करोड़ों करोड़ भक्तों को सन्मार्ग पर चलने की प्रेरणा दी, ऐसे परम पूज्य शंकराचार्य जी महाराज अब ब्रह्मलीन हो गए। अभी पिछले दिनों ही 99 वर्ष पूरे किए थे, 100वें वर्ष में प्रवेश किया था। 9 वर्ष की आयु में ही जिन्होंने अपना घर छोड़ दिया था, उद्भट विद्वान, वेद उपनिषद शास्त्रों के ज्ञाता, जिन्होंने संपूर्ण जीवन सनातन धर्म के प्रचार प्रसार में लगाया और गरीबों की, जनजातियों की, दलितों की सेवा के लिए भी अनेकों प्रकल्प खड़े किए, संस्कृत पाठशालाएं, विद्यालय, नेत्र चिकित्सालय, अस्पताल, ऐसे अद्भुत संत, उनके चरणों में मैं प्रणाम करता हूं। मध्य प्रदेश तो जैसे आज सूंडा हो गया, वो सनातन धर्म के सूर्य थे। मैं मध्य प्रदेश की 8.5 करोड़ जनता की ओर से उनके चरणों में प्रणाम करता हूं। और वे स्वतंत्रता संग्राम सेनानी भी थे, उनका अंतिम संस्कार पूरे राजकीय सम्मान के साथ किया जाएगा और हमें जो उन्होंने राह दिखाई है उस पर चलने का हम सब विनम्र प्रयास करेंगे। परम पूज्य शंकराचार्य जी महाराज के चरणों में सत सत नमन प्रणाम।